लेकिन स्मृति जी, आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल परसेप्शन कहीं ना कहीं आपके सरकार और पार्टी के खिलाफ हुआ है? देखिए, पॉलिटिकल गैसलाइटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत होती है, साइकोलॉजिकल टर्म है, और वो टर्म उन लोगों से उत्पन्न होता है जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते हैं। और जब मैं पॉलिटिकल गैसलाइटिंग की बात करती हूँ, उसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के घर में गणपति जी की आराधना कर रहे हैं, वो एक प्रखर एक उसका एक मुझे लगता है प्रूफ है कि आप कैसे पॉलिटिकली आइसोलेट करें, मुद्दे पे नहीं परसेप्शन पे। लेकिन हम पॉलिटिक्स अपनी किस लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स देश की डिफेंस सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स हमारी युवा पीढ़ी को स्किल मिले, स्टार्टअप शुरू हों, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बने, उसके लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी पॉलिटिक्स बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, न्यायालय में और भी सुदृढ़ रूप से हम फोरेंसिक साइंस लैब्स इस्टेब्लिश करें, यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करें, मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करें? क्या हम पॉलिटिक्स उसके लिए कर रहे हैं या सिर्फ परसेप्शन के लिए कर रहे हैं? ओके स्मृति जी, क्योंकि परसेप्शन की पॉलिटिक्स से जो वो पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है उसको फायदा है, राष्ट्र को फायदा नहीं है। और पॉलिटिकल गैसलाइटिंग और पॉलिटिकल आइसोलेशन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कोई नया नहीं है, पुराना है। मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देती हूँ, आप सब बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। 1984 का रीडिफ्यूजन नाम की एड एजेंसी है, उनका इतिहास निकाल लीजिए, आपको इंटरनेट पे शायद मिल जाएगा। 1984 में रीडिफ्यूजन ने कांग्रेस पार्टी के कहने पर सिख समुदाय की वजह से देश खतरे में है ये कैंपेन चलाया विधिवत इलेक्शन में। क्या किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक इस प्रकार का जहरीला कैंपेन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से क्या चलाया है? वो कहीं चर्चा में नहीं है। तो अगर आपको परसेप्शन पॉलिटिक्स करनी है, ऐसे कई मुद्दे हैं। मैंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरी धर्म को जातियों के आधार पर बांट के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करने का कांग्रेस के एक नेता का प्रयास है। वो मुस्लिम समुदाय में शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद नहीं शुरू करते, दिगंबर श्वेतांबर के बीच में मतभेद करने का प्रयास नहीं करते, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स मेथोडिस्ट जेहोवा विटनेस के बीच में वो दरार पैदा करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ हिंदू समाज में जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। क्या ये कभी भी किसी भी चैनल पर, क्योंकि आप परसेप्शन की बात करते हैं, विषय बना है चर्चा का? नहीं बना। सही, पॉडकास्ट की आपने बात की जी, और आपका वो जो इंटरव्यू था वो बहुत वायरल हुआ, खासतौर से उसका एक हिस्सा जिसमें राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर आपकी तरफ से कहा गया। आपको लगता है कि मैच्योर हो रही है उनकी पॉलिटिक्स? नहीं, मैंने अगर हाँ। आप हिंदू धर्म को जाति में बांटने को मैच्योरिटी कहती हैं हाँ। तो आपको शायद डिक्शनरी में जाके मैच्योरिटी नहीं, आप बताइए ना, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में दोबारा क्या चेंज? जी, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, अगर उनकी आस्था होती कि वो दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए लड़ते, तो आपको उनकी वो आस्था, उनका वो इंक्लिनेशन उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत से दिखती। उन्होंने कहीं ना कहीं ये तय किया पहले कि सबसे बड़ा समुदाय इस देश में किस धर्म का है, हिंदू धर्म का है, तो उनके प्रति कैसे अपनी भावना जागृत दिखाएं। तो वो गए मंदिर मंदिर, उस वक्त वो मीम्स का हिस्सा बने, उपहास का हिस्सा बने। तो उन्होंने एक वक्त में जाकर, और कुछ लोगों ने, जो मैंने प्रेस के माध्यम से पढ़ा, कुछ लोगों ने कहा कि उनका माइनॉरिटी वोट बैंक अफेक्ट हो रहा है। फिर उन्होंने एक नया पॉलिटिकल औजार निकाला जो है जाति की पॉलिटिक्स। उन्होंने बार बार जाति के आधार पर कुछ जातियों में फूट डालने की कोशिश की, कुछ जातियों के बीच में मतभेद खड़ा करने की कोशिश की, कुछ जातियों को भड़काने की कोशिश की ताकि सामाजिक अनरेस्ट हो। तब जब मैंने ये वाला विषय कहा तो कुछ कांग्रेस के लोगों को लगा, रही तो उनकी प्रशंसा कर रही है। तो क्या समाज को तोड़ना प्रशंसा के लायक है? मतलब राहुल गांधी की राजनीति देश तोड़ने वाली, आपको जोड़ने वाली लग रही है? नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को, और उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की राजनीति को बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे से जोड़ा। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उससे जोड़ा, क्योंकि देश को उससे फायदा है। तो मोदी देश के फायदे की बात कर रहे हैं, राहुल जी अपने और अपनी पार्टी के फायदे की बात कर रहे हैं, बस यही फर्क है। स्मृति जी, आप एक दिन बाद यूएस जा रही हैं और इस समय राहुल गांधी यूएस के दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ बहुत सारी बातें कही, खासकर सिखों को लेकर उन्होंने कहा कि इस देश में पगड़ी और कड़ा पहनना भी दिक्कत में है और लोगों को सोचना पड़ता है।
क्या कहना है आपका, आपका क्या कमेंट है? यहाँ पर किसी को संदेह है क्या हमारे देश में सिख समुदाय पगड़ी पहन रहा है? पहन रहे हैं ना, कड़ा पहन रहे हैं? किसी को गुरुद्वारे में जाने की कोई असुविधा है? ये आपके देश की जनता बैठी है, इनमें से कौन कहाँ से आया, किसको वोट देता है मैं नहीं जानती, और आपके देश की जनता कह रही है कि मेरे देश में सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, हम देश के बाहर जाएं, राजनीति करना चाहें तो करें। वैसे राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, हम अपने देश की धज्जियां सरहद के उस पार नहीं उड़ाते हैं, हम एकजुट होकर एक स्वर में हमारी राजनीति चाहे कुछ भी हो अपने देश के संबंध में हमेशा अच्छे स्वरों में बोलते हैं। हम अपने देश के संदर्भ में कभी भी भय का माहौल विश्व भर में हो ताकि कोई इन्वेस्टर हमारे देश ना आए, अच्छी सोच के लोग हमारे देश में ना आए, ऐसा कभी नहीं करते। हम जाकर उनसे मुखातिब नहीं होते देश के बाहर जो हमारे देश को अपनी पॉलिटिक्स के लिए गाली देते हैं, हम उनसे कभी मुस्कुराते हुए फोटो नहीं खींचते जो हमारे देश में फूट डालने का राजनीतिक प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो अपनी राजनीति करना चाहे करें जी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री।